राधे राधे बेटा, राधे राधे सर। कुछ डाउट है स्टोन से, पूछ लो या व्हाट्सएप कर देना शाम को। जय माँ का। ठीक है, चले स्टार्ट करें। तो कुछ पार्ट बच गया था हमारा स्टोन से, उसके बाद हम स्टोन और पेंट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बच चुका है हमारा, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो हो गया सभी का। चलो, अब बच रहा था आपके पास कॉर्नाइस। ठीक है, लास्ट टर्म जो बच रहा है कॉर्नाइस के बाद पैरापेट वॉल। कॉर्नाइस आपके पास क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो, नेट पूरा जोर पे है। नेट धीरे चल रहा है, ऐसा लग रहा है हैंग हो रहा है। ठीक है, मार्बल इज क्वेरीड बाय, मार्बल को किससे निकाला जाता है। इग्नेस रॉक्स में आएगा ना, वेजिंग आना चाहिए, वेजिंग। हाँ बिल्कुल सही, अरे कुछ कुछ रॉक्स हो क्या होती है, उनके एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। जैसे कि मान के चलो कि अपने पास जितना भी, ये सर्च नहीं हो रहा, ठीक है, होता क्या है कि जनरली आपके पास जो मेटामॉर्फिक और अपने पास जो इग्नेस का वर्क होता है ना, वो अपने पास ब्लास्टिंग से ही करा जाएगा, कि उसको खोद के निकालना इजिली अवेलेबल नहीं होता। पर जब मार्बल को देखते हैं, तो मार्बल भी आपके पास लाइमस्टोन की तरह, जो स्टोन आपके पास निकल के आता है ना, जो आपके पास स्टोन निकल के आता है, उसके अंदर क्या देखते हैं कि परतों के अंदर पाई जाती है। इस तरीके से कभी तुम मकराना की तरफ या नागौर की तरफ या फिर तुम किशनगढ़ की तरफ जब जाओगे, तो वहां पे देखना कि जो भी स्टोन है ना, उसके अंदर से तुम्हें लाइनें अलग से नजर आ रही होगी। ठीक है, तो उस लाइनों से हम मार के उसको इजिली से निकाल सकते हैं। बात यहाँ पे ये रहता है। ठीक है किशन, एक मार्बल, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, कुछ स्टोन ऐसे आ जाते हैं जिनका कुछ अलग रहता है। ठीक है सर, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर अपने पास क्वार्ट्स भी रहेगा, मीका भी रह सकता है, क्वार्ट्स या फिर मीका, ये जनरली इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी तो वही आपके पास रहती है कि वो पानी को कितना इजिली से पास होने देगा, वही हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, हाइड्रोलिक अपने पास, हाइड्रोलिक सिटी जो आपको बताई दिया था कि जो पानी को अपने अंदर से पास ना होने दे, वह हाइड्रोलिक सिटी होती है। ठीक है, हाँ, थर्मल एंड लीनियर एक्सपेंशन, नहीं, ऐसा नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन आपके पास होता है कि जो टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण से जो एक्सपेंशन होता है, उसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। लीनियर एक्सपेंशन आपके पास होता है कि वो किसी भी एक डायमेंशन के अंदर जो चेंज हो रहा है वो होगा, और उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है, बट थर्मल एक्सपेंशन में ओनली थर्मल होगा। बात यहाँ पे ये होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, अब कॉर्नाइस वर्क आपके पास क्या होता है, क्या आपने कभी देखा है फ्लैट्स के अंदर, या आपने अपने भी घरों के अंदर अपने यूज कर रखा हो, कि यहाँ पर ये अपने पास वॉल होता है, यह अपने पास छत होता है। ठीक है, और इनके बीच में एक डिजाइन वाला वर्क किया जाता है इस तरीके से, अगर आपने देखा हो तो।
मोस्टली जो फ्लैट होते हैं उनके अंदर ये यूज किया जाता है। अगर आजकल बात करें तो हम भी अपना इंटीरियर को अच्छा बनाने के लिए रूफ और छत के बीच में जो ज्वाइंट ना दिखे तो एक डिजाइन बना देते हैं पुट्टी की हेल्प से, तो उसे अपने पास कोर्नाइस वर्क कहते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? कोर्नाइस वर्क दे कहते हैं। हाँ, ठीक है, इट इज यूज फॉर, इट इज यूज फॉर अपेरियंस पर्पस, इट इज यूज फॉर अपेरियंस पर्पस इन विच फिल द जॉइंट बिटवीन द रूफ एंड वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल एंड जो रूफ होता है उसके बीच में जॉइंट को भरना, वह काम क्या कहलाएगा? कॉर्नाइस कहलाएगा, जो जनरली अपीयरेंस को भरने के लिए दिया जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कैसे देना चाहते हो, सबके घर में अलग अलग रहता है। ठीक है, गुड क्वालिटी स्टोन फॉर बिल्डिंग शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर। 10%, हाँ सॉरी 5%, 10 से ज्यादा पे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही, 5 है। पानी 5% ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, 10 से ज्यादा एब्जॉर्ब करने पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ 5% सही है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं देख लेते हैं तुम्हारे क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पैरापेट वॉल कहाँ करे हैं सर? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर किसके अंदर होगा? फ्रैक्चर में होगा सबसे ज्यादा, सी लग रहा है इसके आंसर। फ्रैक्चर मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें ज्यादा छेद होगा उसमें से पानी ज्यादा पास करेगा। फिर सेकंड और ये लास्ट पैरापेट वॉल। ठीक है, क्या अपने पास पैरापेट वॉल? आप सभी ने अपने छत के ऊपर एक दीवार देखी होगी जिसको पकड़ के आप खड़े होते हैं और बाहर की तरफ नज़ारा देखते हैं, बहुत सुंदर रहता है नज़ारा। ठीक है, तो वह जो अपने पास आउटर पे एक छोटा सा हाइट का स्ट्रक्चर बना होता है ना अपने छत के ऊपर, उसे पैरापेट वॉल कहते हैं। ठीक है, हाँ, छत के ऊपर जो छोटा सा हाइट का अपने पास पड़ा होता है उसे अपने पास क्या कहते हैं? पैरापेट वॉल कहते हैं। हैप्पी इंजीनियरिंग डे टू ऑल ऑफ यू। ए दिया है, पहला बेसाल्ट होगा, दूसरा सैंडस्टोन होगा, फिर लाइमस्टोन होगा, फिर अपने पास ये होगा। सही है, पर होना तो फ्रैक्चर में चाहिए, वो फ्रैक्चर के अंदर अपने पास क्रैक्स रहेंगे तो उसके अंदर से पानी इजीली से पास हो जाना चाहिए, तो पहले पे डी आना चाहिए। और ऊपर में कोई बताने रखा कि अपने पास स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ज़्यादा सही तो अपने पास डी सी वाला ऑप्शन रहता है। ठीक है, पैरापेट वॉल क्यों बनाई जाती है? फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर सेफ्टी पर्पस स्मॉल हाइट ऑफ, फॉर सेफ्टी पर्पस स्मॉल हाइट ऑफ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द रूफ। ओके,
जिसे हम क्या कहते हैं, पैरापेट वॉल कहते हैं। दूसरा अगर बात करें इनके हाइट के ऊपर, हाइट ऑफ पैरापेट वॉल जो जनरली कितना होता है, 75 से 80 सेंटीमीटर, इतना रखा जाता है। ठीक है, इतना रखा जाता है। हाइट कितना होता है इस वॉल का, 75 से 80। ठीक है। थ्रो स्टोन हो गया, ड्रिप हो गया, कोनाइस हो गया, कोपिंग हो गया, स्ट्रिंग वॉल। स्ट्रिंग वॉल और याद रख लो, स्ट्रिंग वॉल। क्या पता कब तुम्हारा किस्मत पूछ ले, होता कुछ नहीं है। प्रिवेंट वॉल फ्रॉम रेन, यह है स्ट्रिंग वॉल कहलाती है। लास्ट लाइन रह गई, इसमें बता रखा है कि जो पैरापेट वॉल का हाइट होता है यह है 75 से 80 सेंटीमीटर होता है, 75 से 80 सेंटीमीटर होता है। प्रिवेंट, ठीक है, चलो सर। सी लेवल छज्जे पैरापेट वॉल बनाते हैं, वो होता है जहाँ पैरापेट वॉल एंड होता है। ये सब चीजें मैं आपको डोर विंडो में क्लियर कर दूंगा, आपको सी लेवल क्या होता है सारे के सारा। ठीक है सर। स्ट्रिंग का डायग्राम, अच्छा स्ट्रिंग का डायग्राम, इस दीवार की पता बात क्या है, अब पता नहीं तुमने देखा ही नहीं देखा, बात यहां पर ही आती हो, नेट चल नहीं रहा। इट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर दी, कंस्ट्रक्टेड विद फुल लेंथ ऑफ वॉल, फुल लेंथ ऑफ वॉल। देखो आपने कभी कभी पता है गांव में क्या देखा होगा, यह है तुम्हारा कोई दीवार है ना, यह है तुम्हारा कोई दीवार है, और इस दीवार पे ना ऐसे तिरछा करके एक स्टोन लगाया जाता है तिरछा, और वो पूरा की पूरा ना ऐसा पूरा की पूरा ना दीवार पे लगा होता है। इस दीवार पे लगा होगा, पीछे वाली दीवार पे भी लगा होगा, उस तरफ भी लगा होगा, इस तरफ भी लगा होगा। तो मतलब घर के एक ना थोड़ा नीचे वाले हाइट पर एक पूरा की पूरा इंक्लाइंड वे में एक स्टोन लगाया जाता है गांव के अंदर, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, उसको कहते हैं अपने पास क्या, स्ट्रिंग वॉल कहते हैं, जो पूरे की पूरे लेंथ पर बनाई जाती है। देखा है आपने कभी गांव के अंदर ऐसा इंक्लाइंड वॉल दीवार के जस्ट थोड़ा सा नीचे, नहीं देखा, देखना सर्च कर लेना एक बार, अभी इसमें अपना नेट चल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए नहीं आ रहा यहाँ पर, यहाँ पर आ नहीं रहा वो। ठीक है, हाँ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो याद रखना अपने पास दीवारों के ऐसे इंक्लाइंड वे करके स्टोन लगे होते हैं, या दीवारें लगी हो, वो दीवार बनी होती है पूरी की पूरी, उसे आपके पास स्ट्रिंग वॉल कहते हैं। ठीक है, होता है गांव में, मैंने खुद ने देखा है ये चीज तो। ठीक है,
चलिए ये देख लो, ये भी एक तुम्हें याद रखने वाली चीज है, कोरबल। ठीक है, ये होता है ऐसा, होता क्या है कि अपने पास जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, क्या रहता है कि अपने पास जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है मेन स्ट्रक्चर, उसके ऊपर लोड को ट्रांसफर करने के लिए उसके अंदर एक अपने पास ऐसे स्टोन बना दिया जाता है जो आउटर में थोड़ा सा बाहर निकला होता है। तो मेन स्ट्रक्चर का जो लोड है वो इसके थ्रू ट्रांसफर करा जाता है, किसके ऊपर, मेन स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, तो ये तो कोई हो गया अपने पास कोई दूसरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये मेन स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो स्टोन है ना आधा इसके अंदर बना हुआ रहता है यहाँ पर, आधा इसके अंदर बना हुआ रहता है यहाँ पर, ये स्टोन इस तरीके से लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से अंदर लगा हुआ है और लोड आ रहा है इसके ऊपर, यहाँ के ऊपर। तो ये इस लोड को यहाँ पे अंदर की तरफ इस वॉल पे ट्रांसफर कर देता है और यहाँ से लोड ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरबल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बस एक लास्ट और ये लिख लो। लिखिए, व्हेन स्मॉल हाइट ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड विद मेन स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड विद मेन स्ट्रक्चर। देन स्मॉल स्ट्रक्चर लोड देन स्मॉल स्ट्रक्चर लोड ट्रांसफर टू मेन स्ट्रक्चर विद दी हेल्प ऑफ विद दी हेल्प ऑफ कोरबल ओके। और अब पूछ ले कि कोरबल दीवार के कितना अंदर होता है, तो ये भी ये बात याद रखना, ठीक है। कोरबल की अगर बात करें तो ये जितना भी अपने पास इसका अपना लेंथ होता है ना, उसका 2/3 लेंथ, 2/3 लेंथ इनसाइड दी वॉल, ओके, इनसाइड दी वॉल, या फिर परसेंटेज में याद रखना, 66.67% वाला पार्ट इसका दीवार के अंदर होगा, ओनली 1/3 पार्ट बाहर होता है, जहां से लोड को मेन स्ट्रक्चर पे लोड को ट्रांसफर करता है, ठीक है। सर वॉल स्ट्रक्चर में बनता होगा ये तो, हाँ ये जनरली जो स्टोन के स्ट्रक्चर बनते हैं ना उसमें बनता है, ठीक है, कभी तुम जाके चर्च में भी देख सकते हो, आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और पुराने के टाइप, पुराने घरों में जो हवेलियां होती थी ना, हवेली जो दादा परदादा बनाते थे, उसमें भी बाहर की तरफ ऐसे स्टोन दिखाई देता था आपको, अगर आपने देखा हो तो, इस टाइप से एक स्टोन बना होगा इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से निकला हुआ रहता था, ये देखा होगा आपने, शेप देते थे वो शेर की, घोड़े की, ऐसे शेप देते थे वहां ऊपर जो मैंने दिखाया है, ठीक है। चलो इतना याद तो रखना ही रखना तुम, बाकी बातें और देखेंगे जब अपने पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बना लिया, लास्ट लाइन नहीं आई समझ बेटा, ये जो इतना सा ये पार्ट है ना, तो ये इतना पार्ट है ना दीवार के अंदर होगा और ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये यूं कह रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा ना कोरबल यहां से, तो आपको ये पूरा थोड़ी ना दिख रहा है, ये पूरा की पूरा बना हुआ कैसा है, ये बना हुआ है पूरा की पूरा,
ठीक है, ये बना हुआ है अपने पास कैसे, इस तरीके से, पर आपको सिर्फ इतना सा ही दिख रहा है ये। ओके, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये कहाँ पर है, वॉल के अंदर है, वॉल के अंदर वाला पार्ट है ये, ठीक है, छज्जे के नीचे रहता है। हाँ, छज्जे के नीचे भी लगा सकते हो, जो अपनी हवेली होती है उसमें छज्जों के नीचे लगी रहती है, ठीक है। कह रहा है कि कोरबल का 2/3 लेंथ अपना दीवार के अंदर होता है, ठीक है। हाँ चलो, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं अब यहाँ से, ठीक है। चैप्टर देख लेना अपने पास कौन सा है, नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अब हमें पढ़ना है क्या, आज हमें पढ़ना है यहाँ पर पेंट, वॉर्निश एंड डिस्टेम्पर, ये तीन चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है। जॉइंट तो रह गए सर स्टोन में, तो जॉइंट्स तो अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे ना। अभी तो आपको स्टोन मेसनरी कहाँ बताया, अभी स्टोन मेसनरी नहीं बताया कि रबल होता है, एशनर होते हैं, रबल के अंदर दो होते हैं, कोर्स अनकोर्स, वो बताएंगे स्टोन मेसनरी के अंदर। और ब्रिक मेसनरी, ब्रिक तो हो गया, स्टोन मेसनरी का छोटा सा पार्ट है, वो बता देंगे आपको कि ब्रिक और स्टोन को क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, दो टाइप के होते हैं, बेड जॉइंट, सब बताएंगे आपको वहां पर, ठीक है। हाँ, तो चैप्टर नंबर कौन सा है, ये 8 हो गया आपका, ठीक है। हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ाएंगे आपको ये चीज। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेंट को, ठीक है। तो ये तीन पार्ट है जो हमें इसमें डिस्कस करना है, और ये तीनों एक दूसरे से मिलते हुए हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन किसका, पेंट का, कि भाई पेंट अपने पास होता क्या है, पेंट अपने पास होता क्या है। देखो, पेंट की अगर हम बात करें ना, तो अपने पास इसको लगाया जाता है दीवारों पर या फिर कहीं मेटल सरफेस पर, और इसका पर्पस होता है कि उसके अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, या कहीं दीवार पर लगा रहे हैं तो इसके वेदरिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, है ना। तो अपने पास इसका पर्पस मेन क्या होता है, अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए। अब इसमें कैसे इसका अपीयरेंस बढ़ता है, रंग कैसे बढ़ता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, वो सब बातें हम आने वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। नहीं, पेज नहीं छोड़ना है, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके फिर मैं आपको लिखवाऊंगा वहां से सारी चीजें, उसमें लिखना है आपको, ठीक है, वो कुछ नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। चलो, पेंट्स आर कोटिंग ऑन मेटल, कोटिंग ऑन मेटल और नॉन नॉन मेटलिक सरफेस सरफेस टू इम्पार्ट एस्थेटिक अपीयरेंस, एस्थेटिक अपीयरेंस एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस, इंक्रीज रेजिस्टेंस फ्रॉम दी वेदरिंग एक्शन, फ्रॉम दी वेदरिंग एक्शन, ओके। तो याद रखना, एक तो वेदरिंग एक्शन को रोकता है, और एक एस्थेटिक अपीयरेंस को बढ़ाता है, और मेटल एंड नॉन मेटल दोनों सरफेस पर इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये दो तीन बातें तुम्हें याद रखना है कि इसको मेटल नॉन मेटल सरफेस पर लगा सकते हैं, अपने पास इसका अपीयरेंस को बढ़ाया जाता है, वेदरिंग इफेक्ट को बढ़ाया जाता है, ठीक है, वेदरिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, ओके। हाँ तो बोल दो, हाँ नोट कर लिया आप सभी ने यहां तक,
चलो फिर बात करते हैं वॉर्निश की। वॉर्निश आपके पास क्या होता है? क्या आपने देखा है कि आपके पास जो बेड होते हैं, कुर्सी होती है, चेयर होती है या फर्नीचर होता है, कुछ शाइनिंग सा देता रहता है? मतलब नॉर्मली क्या होता है कि पेंट थोड़ा शाइनिंग नहीं देता, पर जो अपने पास बेड देखोगे, बेड का कलर देखोगे तो थोड़ा सा शाइनिंग करता रहता है। तो होता क्या है कि पेंट के ऊपर एक ना अपने पास ट्रांसपेरेंट सी अपने पास सॉल्यूशन होता है लिक्विड जैसा, जिसे हम वॉर्निश कहते हैं। उसको कपड़े में लेकर ऐसे उस पेंट के ऊपर जब लगाते हैं ना तो चमक मारने लग जाता है, और जो चमक होती है ना वो वॉर्निश के कारण से आती है। ठीक है सर, ये ठीक। टिकटॉक वाले लड़के लड़की बैन कर वीडियो बना रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कौन से क्यों तुम भी यूज करोगे? है भाई आर के, तुम भी यूज करोगे? समझ गए तुम्हारा मन क्या कर रहा है। कहाँ से बात लाते हो तुम? ये लगता है तुम कुछ ज्यादा ही टिकटॉक देखते हो। नहीं, रेजिन ऑयल प्लस पेट्रोलियम या फिर अपने पास अल्कोहल, इन तीन चीज को मिला के बनाया जाता है वॉर्निश को। एक बार एग्जाम में क्या आया कि बताइए अपने पास रेजिन ऑयल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? तो उसे वॉर्निश कहते हैं। ठीक है, हाँ एस्थेटिक मतलब होता है सुंदरता बढ़ाने के लिए। एस्थेटिक मतलब होता है सुंदरता बढ़ाने के लिए। ठीक है, हाँ नई यूनिट है भाई, वीक है, नई यूनिट है। रेजिन ऑयल पेट्रोलियम और अल्कोहल, इनको मिलाकर जो बनाया जाता है उसे कहते हैं वॉर्निश। ठीक है, जहां पर ये जो अपने पास पेट्रोलियम और अल्कोहल है, ये थिनर का काम करते हैं इसको पतला करने के लिए। ठीक है, हाँ इसको पतला करने का यहाँ पे काम करती है। अब अगर वॉर्निश की बात करें तो ये हमें यार पास पेंट के अंदर चमक देता है। क्या देता है? चमक देता है। ठीक है, देख देख लेते हैं, अगर आपके पास मिल जाए तो कोई अच्छा सा, ठीक है, तो पता चल जाए कि हाँ भाई होता कैसा है। ठीक है, देखो आपका टिम्बर देखा होगा आपने ऐसे चमक मारता हुआ, देखा आपने टिम्बर ऐसे चमक मारता हुआ? तो जो शाइनिंग आ रही है ना, ये समझ जाना कि इसके ऊपर अपने पास क्या लगा रखा है, वॉर्निश लगा रखा है। अगर चमक नहीं आती तो समझ जाना ओनली पेंट है वहां पर, ओनली वहां पर क्या है, पेंट है। ठीक है चलो, और इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप के मेटेरियल से मिलकर बना है। ठीक है, तो पहला बात यहाँ पे क्या आती है, दी वॉर्निश आर मे बी ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, नॉन ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, डिपेंड ऑन इसके ऊपर किस मेटल से बना हुआ है। बट ये जो नोट में लिखवा रहा हूँ ना, इसको तो स्टार करके रख लेना। बार बार आता है कि वॉर्निश का यूज हम किस पर्पज से करते हैं, ये बार बार आता है तो याद रखना, इट इज यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस। डेकोरेटिव पर्पस, ये चीज बार बार आती है कि चीजों की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वॉर्निश का यूज किया जाता है। ठीक है, बार बार आता है कि वॉर्निश का प्रयोग किस लिए किया जाता है, दीवारों पर या पेंट पर? तो आंसर याद रखना, डेकोरेटिव पर्पस। क्या बोलोगे? डेकोरेटिव पर्पस। ठीक है, ठीक है, चलिए बना लिया था क्या? बना लिया, सभी ने बना लिया ना वॉर्निश का। तीसरा अपने पास होता है
डिस्टेंपर। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि आप एक पेंट यूज करते थे सरफेस के ऊपर, और वो जब भी अपने पास बरसात का मौसम आता था ना, तो पपड़ी बन के निकलने लगता था, देखा था? और फिर दीपावली आती थी, आप फिर दोबारा अपने घर पे लगाते थे। नहीं देखा होगा ना पुराने टाइम पर, आपके घर पे नहीं तो कोई दूसरे घर पे देखा होगा। तो ये चीज होती थी पहले, है ना? तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंबर कहते हैं, ठीक है? पेंट नहीं कहते उसको, क्या बोलते हैं, डिस्टेंबर कहते हैं। अब पेंट और डिस्टेंबर में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, जिस तरीके से इनको बनाया जाता है, ठीक है? जिस तरीके से इनको बनाया जाता है, अगर हम बात करें ना डिस्टेंबर को लेकर, तो डिस्टेंबर के अंदर अपने पास तीन मटेरियल का यूज किया जाता है। एक अपने पास होता है बेस, क्या होता है, बेस। एक अपने पास होता है कैरियर, और एक अपने पास होता है पिगमेंट। अब ये तीन चीज को मिलाकर क्या बना दिया जाता है, यह है डिस्टेंबर बना दिया जाता है, ठीक है? अगर बात करें कि यहाँ पर बेस, जब भी डिस्टेंबर लगाते थे तो बेस किसका होता था, तो बेस होता था चौक का या वाइट लाइम का, ठीक है? कैरियर, अब इसको चौक को गीला रखने के लिए कैरियर में क्या डाला जाता था, इसमें डाला जाता था पानी, पानी डाला जाता था जो इसको लॉन्ग टाइम तक गीला रखता था। अब जैसा तुम्हें कलर देना है, गुलाबी, हरा, नीला, कुछ भी दे दो, ठीक है? तो ये क्या कौन देता था, पिगमेंट देता था, उसमें कलर लाके डालना पड़ता था, ठीक है? तो इन तीनों को मिलाकर डिस्टेंबर बन जाता था। अब होता क्या था कि जब हम डिस्टेंबर का यूज करते थे, तो अपने पास घर के अंदर भी लगाते थे, घर के बाहर भी। पर जब तुमने देखा कि जब भी बरसात का मौसम आया, तो पेंट कहाँ का खराब होता था, बाहर का या अंदर का? अंदर बिल्कुल नया जैसा लगेगा, पर तुम्हारा बाहर है ना ऐसा पपड़ी बन के निकल जाएगा, जैसे कि तुम्हें कोई छील के ले गया हो, है ना? तो इसका जो अपने पास वेदरिंग रेजिस्टेंस है वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम इसको ज्यादा प्रीफर यही करते हैं कि इसको घर के अंदर लगाओ। कहाँ पे लगाओ, घर के अंदर। इसलिए लोग अब क्या करने लग गए, घर के अंदर अब लगाते हैं डिस्टेंबर, अभी भी डिस्टेंबर लगाते हैं, बट घर के बाहर प्लास्टिक पेंट या कुछ पेंट यूज करते हैं जो इस कारण से वेदरिंग रेजिस्टेंस बना रहता है, ठीक है? हाँ ऐसे करते हैं। चलो ठीक है, कहाँ यूज करते थे, इट इज अप्लाइड ओवर दी, अप्लाइड ओवर दी प्लास्टर सरफेस, इट इज अप्लाई ओवर दी प्लास्टर सरफेस टू रजिस्ट, टू रजिस्ट वेदरिंग एक्शन। इसका यूज हम प्लास्टर सरफेस के ऊपर करते हैं, ऐसा नहीं करते कि तुम बिना प्लास्टर के लगा दोगे, ये बात भी याद रखना। कुछ लोग दिमाग लगा जो सीधी जो भी अपने पास दीवारें बनी हुई है ब्रिक का, उसके ऊपर ही तुम यूज कर लो, ऐसा मत कर लेना। पहले वहां पे प्लास्टर होता है, प्लास्टर को फिर बेस बना के चौक लगाया जाता है, ठीक है? जैसे तुम पुट्टी बोलते हो, उसके बाद जाके काम होता है अपने, ठीक है? चलो, और ये क्वेश्चन बार बार आता है, लिख देता हूँ। इट इज मोर प्रेफरेबल ऑन इनर साइड, इनर साइड, इट इज मोर प्रेफरेबल ऑन इनर साइड एज कंपेयर टू एक्सटर्नल साइड या फिर वॉल। ओके, बार बार आता है क्वेश्चन कि डिस्टेंबर का यूज हम कहां पर करते हैं, तो आंसर होगा इनर साइड पर या फिर इंटीरियर साइड पर, ठीक है? इंटीरियर साइड या फिर अपना इनर साइड। और कहां पर करते हैं, प्लास्टर सरफेस पर करते हैं। डिस्टेंबर में बेस क्या होता है, ये बार भी एसएससी ने पूछ रखा है, तो चौक होता है। और इसमें कैरियर क्या होता है, जिसको नहीं पता हो, क्वेश्चन आ रखा है, वाटर होता है। ये पांच क्वेश्चन यहाँ से आ रखे हैं, तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि पेंट में क्या होता है, अपना वॉर्निश में क्या होता है, डिस्टेंबर में क्या होता है। सर डिस्टेंबर के ऊपर वॉर्निश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। डायरेक्ट ब्रिक पे करोगे तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनेगी, पपड़ी जल्दी निकल जाएगी। इमल्शन पेंट पेंट होता है बेटा,
ठीक है, अभी बताएंगे इमल्शन पेंट का भी। ठीक है, बना लिया। इमल्शन का मतलब होता है लगे एक बार चले सालों साल, मंत्री आते रहेंगे मंत्री जाते रहेंगे, पर ये पे जो पेंट है ये साल भर के लिए बना रहा हुआ रहेगा। सुना होगा ना तुमने ऐसा कुछ। चलो अब बात करते हैं तुम्हारा यहाँ से। सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं उसे बोलते हैं पी वी सी एन वैल्यू। ठीक है, पी वी सी एन नंबर बोल दो इसका। सबसे पहले देखो जो महाराष्ट्र का पेपर था ना, उन्होंने सबसे पहले पूछा इसकी फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म जो अपने पास होता है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, यह है इसकी फुल फॉर्म होती है। पीवीसीएन वैल्यू बोल देगा, पीवीसीएन नंबर बोल देगा ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर। अब ये निकालते कैसे हैं, अब बात करते हैं कि पीवीसीएन निकालते कैसे हैं। बेटा अपने पास फॉर्मूला होता है वी वन डिवाइड बाय वी वन प्लस वी टू। अब ये अपने पास वी वन डिवाइड बाय वी वन प्लस वी टू होता क्या है, अगर वी वन की बात करें तो ये वॉल्यूम है किसका पिगमेंट का, और ये वॉल्यूम है किसका पेंट का। तो मतलब पेंट के अंदर आपने कितना वॉल्यूम किसका डाला है पिगमेंट का डाला है, तो वह होता है पिगमेंट कंसंट्रेशन नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर। ओके, मैंने क्या कहा कि 1 लीटर पेंट के अंदर आपने कितना वॉल्यूम पिगमेंट का डाला है, यह किससे पता चलता है पीवीसी नंबर से पता चलता है। समझ गए? ठीक है, अब ये पेंट में चलेगा। सब कुछ बताएंगे जब टाइप्स ऑफ पेंट बताएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेंट में बात करेंगे बेटा अभी। ओके, अब एक बार एसएससी ने क्या करा, यही फॉर्मूला दे दिया और बोला कि बताओ यहाँ पे V1 क्या है, यही क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया। तो यह है अपने पास V1, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ पेंट वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन दी पेंट। ओके, पेंट में कितना वॉल्यूम है V1 है। V2 अपने पास यहाँ पर क्या होता है अगर हम बात करें तो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अदर मटेरियल। ठीक है, जैसे कि लाइक एज, जैसे कि अपने पास हो गए व्हीकल, व्हीकल हो गया, ड्रायर हो गया, इनका आपके पास वॉल्यूम रहता है। व्हीकल हो गया, ड्रायर हो गया, इनका वॉल्यूम रहता है। ओके, अब और क्या पूछ सकता है इसमें, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो V2 अपने पास अलग मटेरियल होते हैं, जैसे व्हीकल हो गया, जैसे कैरियर हो गया। ठीक है, व्हीकल हो गया, कैरियर हो गया, ड्रायर हो गया, ये व्हीकल ड्रायर ये अलग मटेरियल होते हैं, ये दूसरे मटेरियल होते हैं जो पेंट में मिलते हैं। देखो पेंट के अंदर मेटल की अगर हम बात करें ना, तो पेंट के अंदर होता है बेस,
पेंट के अंदर होता है विकल, पेंट के अंदर होता है कैरियर, पेंट के अंदर होता है अपने पास पिगमेंट, और फिर होता है सॉल्वेंट। तो इन पांचों को मिला के बनाया जाता है। तो V1 सिर्फ पेंट के अंदर किसके वॉल्यूम को बताता है, पिगमेंट के वॉल्यूम को, और जो V2 है ना वो बाकी जितने भी मेटल बचे हुए हैं ना उन सबको बता देगा। जैसे मान के चलो विकल का बता दिया, कैरियर का बता दिया, ऐसा। ठीक है जितेंद्र और प्रिंस? अरे सब बताएंगे भाई, जब आएगा तब बताएंगे ना तुम्हें। एक बार रुको तो सही, तुम्हें पहले ही वो बताने लग जाए। बच्चे रुक जाओ, थोड़ा सबर करो भाई। ठीक है आगे चले। अब एक नोट, ये जो तुमसे बार बार पूछता है, अलग अलग पेपर में चीजें आ रखी हैं। कहता है कि जब अपने पास वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट बढ़ाया जाता है, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट जब बढ़ाया जाता है तो इनडायरेक्टली आपने किसका वैल्यू बढ़ा दिया है, पीवीसीएन वैल्यू बढ़ा दिया है। सर तो इनका भी प्रपोर्शन होगा ना? अरे अलग अलग होता है, प्रपोर्शन नहीं होता भाई, नहीं होता, तुम्हारी कसम नहीं होता। ठीक है जब ये भरता है ना तो पेंट का ड्यूरेबिलिटी घट जाता है, ड्यूरेबिलिटी घट जाता है, मतलब उसका जो लाइफ टाइम है ना वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर एक पेपर में क्या आया कि जब वॉल्यूम ऑफ कलर पिगमेंट बढ़ाया जाता है तो जो इसकी चमक होती है, क्या होती है, चमक होती है, वो भी घट जाती है। दो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आ रखा है। ठीक है विकल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो अपने पास पेंट को लिक्विड के अंदर रखे लंबे टाइम तक, ऐसा इंग्रेडिएंट्स जो पेंट को लिक्विड स्टेट में रखे लंबे टाइम तक वो क्या कहलाता है, विकल कहलाता है। ड्रायर क्या होता है? ड्रायर जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ना पेंट, तो अपने पास उसमें ऑक्सीजन चलना स्टार्ट हो जाता है और वो पेंट को सुखाने लग जाता है। तो ड्रायर का काम क्या है, पेंट को सुखाने का काम होता है। ठीक है इसलिए हमेशा पेंट को एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट जो प्लास्टिक बॉक्स होता है ना उसमें रखा जाता है। अगर वो एयर के कॉन्टेक्ट में आ गया ना तो पेंट जमने लग जाएगा, और इसलिए कहा जाता है कि पेंट की विस्कोसिटी टाइम के साथ में बढ़ता है। ठीक है ये बात याद रखना। ठीक है हाँ तो बोल दो। हाँ ग्लेज चमक, चमक अरे बता देंगे भाई, जब वो आएगा तब बता देंगे। ठीक है हाँ जब वो आएगा तब उसको भी बता देंगे। अभी रुक जाओ, अभी वो आया नहीं है फिर मैं ये चीज छुड़वा दूंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। जो बता रहे हैं अभी तुम उनको तो पूरा करने दो, फिर कुछ रह जाएगा क्या मतलब रहेगा। अब पीवीसीन के अकॉर्डिंग कुछ पेंट को क्लासिफाई किया गया है जिनको एक पेपर में बार बार पूछा गया है, और पेपर का नाम था गुजरात का पेपर, ए जे बार बार ये पेपर में आया है। अब टाइप ऑफ पेंट उन्होंने क्या कहा कि एक ग्लॉस होता है, वही चमक वाला है। ठीक है एक सेमी ग्लॉस होता है, कम चमक वाला है, एक फ्लैट जिसमें बिल्कुल चमक नहीं होता है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन आया इसके अकॉर्डिंग, पीवीसीएन के अकॉर्डिंग, कोई पीवीसी नंबर दे दिया और बार बार पूछ रखा है कि पेंट कौन सा है, पेंट कौन सा है, पेंट कौन सा है। तो मैं टेबल बनाता हूँ, तुम याद रखना, इसकी है 25 से 40, इसका कितना है ग्लोस का 25 से 40, और इसका है अपने पास 35 से 45। एसएससी में फुल चांसेस क्वेश्चन के पूछने के, बात याद रखना, क्योंकि खबर नहीं लगेगी जिस दिन क्वेश्चन आएगा। और फ्लैट का आपके पास होता है 50 से 75, क्या होता है 50 से 75। ठीक है अब कुछ क्वेश्चन और आ रखे हैं, जैसे मैं आपको और बताना चाहूँ तो। ठीक है एक क्वेश्चन अपने पास आया कि अपना इसका यूज आ गया है ना, कहा क्वेश्चन में क्या था कि कहा कि पीवीसी नंबर 28 से 40 है तो इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है अपने पास एक्सटीरियर कोर्ट में। एक्सटीरियर कोर्ट मतलब जो बाहर की तरफ अपने पास होती है ना दीवारें,
उनपे पेंट को यूज कर सकते हो आप, ठीक है, एक्सटीरियर कोट पर बाहर की तरफ इनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर तुमने इसको बोल दिए क्या प्राइम कोट में भी इसका यूज कर सकते हो। प्राइम कोट मतलब पहली पहली जो कोट लगती है ना उसमें तुम इसका यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन आ रखा है दो जगह पे, क्वेश्चन आ रखा था दो जगह, मैंने देखा कि लिमिट दे रखी थी कि भाई 28 से 40 है तो बताओ कहाँ यूज करेंगे, इनर साइड पर, एक्सटीरियर पर, वुडन पे, तो आंसर क्या था, एक्सटीरियर कोट था, एक्सटीरियर कोट था। पीवीसीएन की डेफिनेशन, बनाओ इस फॉर्मूले को देखकर डेफिनेशन बनाओ, बताओ क्या बोलोगे, पीवीसीएन नंबर क्या है, पीवीसीएन नंबर क्या है, सब बता देंगे राजा, सब बता देंगे, टिम्बर पे कितना करते हैं, दरवाजों पे कितना करते हैं, सब बता देंगे तुम्हें कितना कितना कोट करते हैं, पहली कोट को क्या कहते हैं, सेकंड को क्या कहते हैं, थर्ड को क्या कहते हैं, ठीक है। चलो, यह है पेंट के अंदर पिगमेंट के वॉल्यूम को बताता है, क्या बोलोगे, इट इज डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन द पेंट, ओके, हाँ ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ पेंट्स, ठीक है। पुट्टी के बाद प्राइमर करते हैं वो क्या होता है, अरे दिव्यांश पुट्टी को ही प्राइमर कहते हैं भाई, पुट्टी को कहते हैं प्राइमर, तुम भी मजे ले लिए सच में यार, जो पुट्टी होती है उसी को कहते हैं प्राइमर। चलो बनाओ इसको, अरे जितेंद्र बेटा क्या लिखे इसमें, इसमें लो यार तुम लिख लो, नोट कर लिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये आ रखा था कि अगर पीवीसी नंबर ये होगा तो इसका कलर कैसा होगा, वेरी लाइट कलर, वेरी लाइट कलर, ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे थे, जहाँ पे आपको लाइटिंग ज्यादा चाहिए, ऐसा होता नहीं कभी कभी हम चाहते हैं कि कमरों के अंदर थोड़ा लाइटिंग अच्छा सा बना रहे, तो वहां पर पीवीसी नंबर को बढ़ा दो तो आपके पास बिल्कुल लाइट कलर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, सेमी ग्लोव्स में इसको आप वुडन पे यूज कर सकते हो, वुडन सरफेस पे आप इसका यूज कर सकते हो, वुडन सरफेस पे किसी पेंट को यूज करना होता है तो सेमी ग्लोव्स टाइप का यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 35 से 40 होती है, पर बात यही यहाँ पर भी आ गया यहाँ पे भी आ गया, आप तो 35 से 40 लिख, याद रखो कि जब भी 35 से 40 के बीच में वैल्यू आ जाती है ना तो वो वुडन सरफेस पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर पीवीसीएन की वैल्यू 35 से 40 के बीच में आती है तो उसे हम वुडन सरफेस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है।
ये बात तुम्हें याद रखना है, ठीक है? चले आगे। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो सिर्फ तुम्हें पिगमेंट ही मिलेगा, पेंट कहाँ से मिलेगा? पीवी से नंबर 75 का मतलब समझते हो? इससे ज़्यादा का मतलब कि तुमने सिर्फ पेंट के अंदर तुमने सिर्फ पिगमेंट डाला, बाकी चीज़ें डाली नहीं है, और फिर तुम्हारा पेंट निकल आएगा बेटा, वो कुछ और ही कलाने लग जाएगा। इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट, ठीक है? लाते कहाँ से हो तुम ऐसे क्वेश्चन? मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि कुछ तो टाइप करना है, मैं कुछ भी करूँ पर मैं कुछ तो टाइप करके सर से पूछूंगा, है ना? कुछ ऐसा तो कॉन्सेप्ट नहीं तुम्हारा। एक आर के आता है, आर के बहुत अलग क्वेश्चन पूछता है, सर ये बताओ कि टिकटॉकर गोरे कैसे होते हैं? वाह। और एक तुम क्या पूछे, 75 से ज्यादा पे भी बताओ कि होगा क्या? नहीं होता तो नहीं बताया ना, इससे ज्यादा नहीं डलता मतलब। सच में कुछ तो है तुम लोगों में, कुछ बात तो अलग है जो तुम्हें लोगों से, अदर लोगों से डिफरेंट बनाती है। पर मुझे सिर्फ एक बात पूछना है, तुम अगर सच बताओ तो, तुम क्या पढ़ते वक्त इतना सोचते हो जब तुम कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, या फिर बस अभी जब मैं पढ़ाता हूँ जब तुम ऐसे सोचते हो? इतना सच बताना कि तुम सच में इतना सोचते हो सब लोग? है भाई, अब देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या नाम मिलते हैं। बेस को कहते हैं प्राइमर, बेस को ही कहते हैं प्राइमर। विकल को ही कहते हैं क्या, कैरियर। ड्रायर को ही कहते हैं अपने पास क्या, एसिलरेटर। क्या कहते हैं? एसिलरेटर। और पिगमेंट तो सिर्फ क्या देते हैं, कलर गिविंग कंपाउंड, इसको ये कहते हैं कलर गिविंग कंपाउंड, मतलब पिगमेंट। ट्रायल मतलब एसिलेटर, विकर मतलब कैरियर, बेस मतलब प्राइमर, और सॉल्वेंट मतलब यहाँ पर आ जाता है अपने पास थिनर। ये रहा, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ये बात याद रखना। लोगों को लगता है अलग अलग है पर तुम लोगों को नहीं लगना चाहिए, ये सारे क्या हैं, दो दो भाई ना हो के ये एक एक भाई हैं सारे, ठीक है? तो इंग्रेडिएंट्स कितने होते हैं, पांच ही होते हैं। ओके, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए फिर पहला बात करते हैं यहाँ पर बेस को लेकर, जिसको हमने क्या बोला है, प्राइमर बोला है। आपने देखा होगा कि पेंट को लगाने से पहले आपका पुट्टी किया जाता है, पेंट को लगाने से पहले उसके सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए एक पुट्टी किया जाता है, तो वो क्या है, बेस है। तो बेस का मेन पर्पस अपने पास होता क्या है कि पेंट को लगाने के लिए एक स्मूथ सरफेस दे, जिस कारण से उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ब्रिक पे लगा दूंगा ना, ब्रिक मेसनरी वर्क के ऊपर, तो अपने पास रफ सरफेस होता है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा यूज होगा, इस कारण से पहले पुट्टी लगा दी जाती है और उसके बाद ये लगाते, तो क्या हो जाता है कि इसका वॉल्यूम रिड्यूस जाता है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है? हाँ, स्मूथ सरफेस बनाने के लिए। तो मेन बात क्या होता है बेस का, अगर हम यूज करें तो इट इज ए सब्सटेंस
इट इज ए सब्सटेंस इन ए फाइन स्टेट, इन ए फाइन स्टेट विच यूज ऑन सरफेस, विच यूज ऑन सरफेस प्रायर टू पेंट टू गिविंग स्मूथ सरफेस एंड इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेंट। ठीक है, पेंट को लगाने से पहले सरफेस पे लगाया जाता है जो सरफेस को स्मूथ बना सके और पेंट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सके। उसे क्या कहते हैं? उसे बेस कहते हैं, उसे बेस कहते हैं। सॉरी, बना लिया। बना लिया। ठीक है, चलो अब कुछ इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल। एक बात बताओ, क्या घर में तुम्हारे दरवाजे हैं? घर में आपके दरवाजे हैं? दरवाजे है ना, या अपने पास किचन तो होगी, तो किचन में जो अपने पास विंडो का वर्क होता है ना, वो वुडन का वर्क होता है जिसे मॉड्यूलर किचन जैसे हम कहते हैं। अरे तुमने नहीं देखा, दूसरों के देख लेना, जरूर थोड़ी ना है। तो अपने पास वहां पे जब भी तुमने कभी वुडन लगाया होगा ना, तो उस वुडन के ऊपर आपने एक ना व्हाइट कलर का एक बेस लगा रहे थे, व्हाइट कलर का बेस लगा रहे थे। अगर आपने देखा हो तो देखा होगा आपने, वुडन सरफेस पर पेंट लगाने से पहले व्हाइट लीड लगाया जाता है दीमकों को रोकने के लिए, दीमकों को रोकने के लिए। तो जो व्हाइट लीड है वो कहाँ लगाते हैं? वुडन सरफेस पर लगाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा अपने पास होता है ना, उसे बोलते हैं रेड लीड, रेड लीड बोल देते हैं, या फिर अपने पास बोल देते हैं, अपने पास आयरन ऑक्साइड बोल देते हैं। ठीक है, इसका यूज किया जाता है अपने पास कहाँ पे? फॉर मेटल सरफेस। और जनरली मेटल में कौन सा यूज करते हैं हम? स्टील, या फिर यूज करते हैं आयरन। और रीजन अपने पास क्या है? क्योंकि इन इन बेस का जो अपने पास कोरोजन रेजिस्टिंग पावर है, कोरोजन रजिस्टिंग जो कैपेसिटी होती है इन बेस की, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस कारण से इनको इन सरफेस पर यूज किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास। ओके, जो अपने पास एक होता है टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये है जो बेस होता है। ठीक है, दिस बेस यूज इन इनेबल इनेबल था इमल्शन था इनेबल पेंट यूज फॉर इनेबल पेंट इन
प्राइम कोट, ओके, प्राइम कोट इमल्शन पेंट में जो लगेगी वो टाइटेनियम ऑक्साइड की लगेगी, वो टाइटेनियम ऑक्साइड की लगेगी, इमल्शन नहीं है, इनेबल है, इनेबल है भाई, इनेबल, ठीक है, ये दो बातें याद रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आ रखा है, मेटल के ऊपर जनरली कौन सा, मेटल के ऊपर जनरली कौन सा बेस यूज किया जाता है, मेटल के ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर आ रखा है ये वाला आयरन ऑक्साइड, क्या रखा है, मेटल, यूज इन प्राइम कोट ऑफ, प्राइम कोट, यूज इन प्राइम कोट फॉर मेटल सरफेस, ये क्वेश्चन भी अपना आ रखा है, ठीक है, ये चीज अपने पास आ रखी है। वाइट वुडन के लिए रेड और अपना आयरन ऑक्साइड, मेटल या स्टील या आयरन, क्यों, क्योंकि इनकी कोरोजन पावर होती है। टाइटेनियम जो ऑक्साइड है इनका यूज इनेबल पेंट में करते हैं, जो लगता है एक बार और चलता है सालों साल, ठीक है। अरे प्राइम कोट नहीं लिख रखा ना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा लिखो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आया था इस बार का, मैं ये नहीं कह रहा कि लिखो, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आया कैसे था, ठीक है। तुम तो ऐसा समझते हो कि मैंने बोर्ड पे लिखा है तो तुम्हें नोट करना है, ऐसा नहीं होता है, सब चीजें नोट करने के लिए नहीं होती है, कुछ चीज बताई भी जाती है, किस एग्जाम में आया था, तुम एसएससी में भी देख सकते हो, और अपने पास पेपर हुआ इन दिनों में, पेपर हुआ इन दिनों में, पेपर हुआ यूपीपीएससी का एई का पेपर हुआ था, उसमें भी ये आया था, जो यूपीपीएससी का जो एई का पेपर हुआ था उसमें भी ये पेंट का क्वेश्चन आया था, और बहुत से क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, हाँ 2020 दिसंबर में जो हुआ था, मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी मैं नहीं बताऊंगा भाई, मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुमने धोनी वाला ऐड देखा है क्या, मुझे एक बात बता दो बस, कि तुमने धोनी वाला ऐड देखा है, बस वो इनेबल पेंट है, देख लो कहाँ यूज करते हैं उसका। चलो दूसरा, दूसरा क्या था, सेकंड था अपने पास व्हीकल, सेकंड अपने पास क्या था, व्हीकल, और इसी को हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं, और इस बार जो 12 तारीख वाला पेपर हुआ था ना उसमें भी ये आ रखा था कि पेंट का कौन सा इंग्रेडिएंट्स होता है जो इसको लिक्विड स्टेट में रखता है, पेंट का कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जिसको लिक्विड स्टेट में रखता है। अरे फ्लोर पर, दीवारों पर, सब जगह पे यूज कर सकते हैं बेटा, इन पे कभी भी अपना जो पानी छिड़काओ, बन के पानी गिर दो, गर्म चीजें गिर दो, होता ना कि चाय सो सब कुछ गिर जाता है, उसकी मम्मी बच्चे को नहीं मारती, वो साफ करने आ जाती है, वो वाला, वो भी इनेबल पेंट ही है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, दिस इंग्रेडिएंट्स होल्ड, दिस इंग्रेडिएंट्स होल्ड दी अदर इंग्रेडिएंट्स इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ओके, इस इंग्रेडिएंट्स का काम क्या है, जो पेंट के अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, होल्ड दी अदर इंग्रेडिएंट्स, होल्ड दी अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ
स्पेंड इन लिक्विड स्टेट। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स को लिक्विड स्टेट में रखना किसका काम है? व्हीकल का ही काम होता है। ओके, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल की सबसे ज़्यादा बार पेपर में आया हुआ लिंसिड ऑयल, यह एक ऐसा व्हीकल है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेंट में। पेंट भी आ जाता है और कहीं कहीं पे आ जाता है ऑयल पेंट। देखो, अगर पेंट बोले या ऑयल पेंट बोले तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? पेंट बोले, ऑयल पेंट बोले, कंफ्यूज मत होना, वो पेंट्स की ही बात कर रहा है। बट पेपर में बार बार कहता है ऑयल पेंट, ऑयल पेंट, तो बच्चों को लगता है कि पता नहीं व्हीकल कुछ अलग तो नहीं होगा, जो पेंट में यूज करते हैं वो ऑयल पेंट ही होता है, ठीक है? हाँ, तो लिंसिड ऑयल अपने पास जो व्हीकल है वो किस में होता है? पेंट में और ऑयल में होता है। इसके अलावा अपना पॉपी ऑयल, पॉपी ऑयल यह अपने पास होता है, ठीक है? और नट ऑयल अपने पास होता है, अपने पास जो टंग ऑयल है यह अपने पास होता है। ये कुछ इंग्रेडिएंट से होता है, ठीक है? ओके सर, आप बताते हैं फिर ऐसे क्यों करते हैं? मजा आता है हमें, अच्छा लगता है, तुम बोर ना हो जाओ इसलिए कर लेते हैं हम ऐसे। अच्छा लगता है बस, नहीं तो फिर यहीं बैठ रहेंगे, तुम ठीक बोर हो जाओगे तुम उनसे इसलिए, ठीक है? चलो, हाँ दिल को सुकून मिलता है। चलो तीसरा बात करते हैं, तीसरा बात करते हैं ड्रायर। एक्सेलरेटर पर जैसे ही पेंट ओपन होता है ना, एयर के कांटेक्ट में आया, जैसे ही पेंट एयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो उसको सुखाने का काम यही करता है। तो बार बार आता है आपके एग्जाम में, विच इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर ड्राइंग पर्पस, विच इंग्रेडिएंट्स इज यूज फॉर ड्राइंग पर्पस, तो आंसर क्या होगा? ड्रायर। ड्रायर का काम होता है सुखाने का। ओके, अब इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। सबसे ज्यादा आया हुआ लिथार्ज, लो सबसे ज्यादा आया हुआ, जिस पे स्टार कर रहा हूँ ना वो तुम्हें नहीं बोलना है, बस ये बात याद रखना, ठीक है? हाँ, ठीक है। और क्या आ सकता है कि वॉल्यूम ऑफ ड्रायर इन पेंट नॉट ग्रेटर देन 10%, ये ऐसा पूछ सकता है कि इसका वॉल्यूम 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब क्या क्या यूज़ करते हैं बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिथार्ज अपने पास होता है, ठीक है, अपने पास कोबाल्ट यह अपने पास होता है, रेड लीड याद रखना, ये बेस में भी यूज़ करते हैं और इसमें भी अपने पास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड और लीड एसीटेट, लीड एसीटेट, हाँ बस इसका तो याद रखना, ये तो तुम्हें भूलना ही नहीं है। चलो, लिख लिया क्या? वॉल्यूम ऑफ ड्रायर को पेंट नॉट ग्रेटर देन 10%।
इसका मतलब होता है कि पेंट के अंदर ड्रायर का वॉल्यूम 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया आप सभी ने? लिथार्ज इसमें नहीं बोलना है, और व्हीकल के अंदर लिंसिड ऑयल तुम्हें नहीं बोलना है, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे दोनों को याद रखते रखते। तुम पता है क्या करो, या तो तुम व्हीकल याद रख लो या ड्रायर याद रख लो, और कोई दूसरा आता है ना, जैसे मान को तुमने लिंसिड याद रख लिया और लिथार्ज आया, तो तुम क्या बोलोगे? सीधा ड्रायर है। और तुमने लिथार्ज याद कर लिया कि ड्रायर के अंदर है, तो अगर लिंसिड आया तो तुम सीधा क्या बोलोगे कि सीधा व्हीकल है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। एक याद रखना, क्योंकि दोनों याद रखते हैं तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट भूल जाते हैं कि अपने पास व्हीकल कौन सा था, तो आपको एक याद रखना है ना, जहाँ सेम आते हैं एक याद रखो, दूसरा वाला अपोजिट बोल दो। ओके, हाँ तो बोल दो, हाँ तो बोल दो, हाँ। ऐसे सुबह से तुम ऐसे उदास बैठे हो। हाँ बस अच्छा लगता है। ठीक है, पिगमेंट क्या देता है? बार बार आया है कि पेंट को कलर कौन देता है, पेंट को कलर कौन देता है, तो आंसर क्या होगा, क्या होगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, दूसरा, परसेंटेज ऑफ पिगमेंट, परसेंटेज ऑफ पिगमेंट इन पेंट कितना होता है? 5 से 10%। अगर फिक्स वैल्यू बोलता है तो आप 8% को याद रखिए। ओके, अगर फिक्स वैल्यू कहता है तो आप 8% को याद रखिए। अब तुम्हारी किस्मत, कब तुम्हारी किस्मत जग जाए, जो टेबल बना रहा हूँ वहां से क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रखना। क्योंकि जब भी पेपर हार्ड बनाना होगा तो मैं बताऊंगा कहाँ से आता है, इजी बनाना होगा तो मैं बताऊंगा कहाँ। ऑयल से याद रखना व्हीकल है, क्योंकि गाड़ी में तो यूज होता है। वाह यार, क्या ट्रिक बनाई है तुमने, सच में दिल जीत लिया तुमने मेरा। कहाँ से तुम पहले क्यों नहीं मिले? मैं इतने दिनों से कंफ्यूज हो रहा था कि मैं याद कैसे रखूं। तुमने अब बता दिया कि गाड़ी में तो ऑयल होता है, तो इससे लिंसिड ऑयल होगा। वाह, दिल खुश कर दिया, शाबाश बेटा, मौज कर दी तुमने। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे पिगमेंट के बारे में, कौन सा पिगमेंट है, और बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा कलर मिलेगा, कौन सा कलर मिलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, एग्जाम में मोस्टली बार आया हुआ तो तुम्हें पहले बता देता हूँ। ठीक है, वो कुछ ज्यादा आता है, क्वेश्चन में आता है ग्रेफाइट। क्या आता है? ग्रेफाइट, तो याद रखना यह कलर देता है ब्लैक। उल्टा कर दे क्या? उल्टा कर दे, हैं? तुम भी कर दोगे मेरी तरह से? यहां पे लिख लो कलर और यहां पे लिख लो पिगमेंट। ठीक है, अब बात करनी है ब्लैक को लेकर, तो ब्लैक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है अपने पास ग्रेफाइट, है ना? ग्रेनाइट नहीं, ग्रेफाइट, यह सबसे ज्यादा आया है। ठीक है, बाकी तो तुम याद रख लोगे, जैसे क्या रखा है, लैम्प ब्लैक, इवोरी ब्लैक, वेजिटेबल ब्लैक, भाई जहां ब्लैक आ गया ब्लैक ही होगा, बस तुम्हें ग्रेफाइट का याद रखो। ठीक है,
दूसरा अपना याद रखना है कौन सा, ब्लू। अब कुछ भी पीछे ब्लू लगा हो तो ब्लू देगा, सिर्फ इस चीज को छोड़कर। इंडिगो, इंडिगो पूछ रखा है कौन सा कलर देता है, नीला देता है। कैसे देता है, नीला देता है, ठीक है। और तीसरा है ब्राउन, किसी भी इंग्रेडिएंट्स के पीछे ब्राउन आ जाए तो वह ब्राउन देगा। सिर्फ एक चीज होता है जिसके पीछे नहीं लिखा होता, तो वो होता है रो अंबर, रो अंबर, ये रहा, रो अंबर ब्राउन कलर देता है, ठीक है। अब चौथा है ग्रीन, ग्रीन से लिखा है इसलिए तो ग्रीन होगा, तो क्रोम ग्रीन हो गया। एक ग्रीन और है तो सारे ग्रीन वाले ग्रीन देंगे, बस एक नाम को छोड़कर। एक होता है कॉपर सल्फेट, यह है भी ग्रीन ही देता है, बट इसके नाम के पीछे ग्रीन नहीं है, और यह है एग्जाम में एक या एक के बाद ही देखा मैंने तो, ठीक है। और पेपर में अपने पास आया था कैसे करके, पेपर में पूछ लेते इसका फॉर्मूला CuSO4, तो तुम कंफ्यूज मत हो ना बेटा। देखो बात तो एक ही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उन्होंने फॉर्मूले में पूछा था, ठीक है। फिर अपने पास है रेड, फिर अपने पास रेड। अब देखो अब रेड लीड हो गया तो रेड देगा, वर्मेनियन रेड हो गया तो वो भी रेड देगा, बस एक नाम को छोड़कर कैरमाइन, पर देगा क्या रेड ही, पर देगा क्या रेड ही, ठीक है। और एक ये और याद रख लो भाई, येलो, जिंक क्लो, जिंक क्रोम, जिंक क्रोम। बाकी तो क्रोम येलो है, येलो ओकरी है, तो सारे येलो ही देंगे, पर जो जिंक क्रोम है ये येलो ही देता है, बट ये शो नहीं करता, ठीक है। हाँ एक और है बस, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, वाइट, जिंक ऑक्साइड, देखो ये याद रख लो, और एक येलो वाला याद रख लो, एक अपना ये ग्रीन वाला, और एक ये ब्लैक वाला, बस ये चार तो याद रख ही लो, टोटल मिला के सात है, बट चार तो मत भूलना। ठीक है, ब्लैक ब्लू येलो व्हाइट, ये तो चार याद रखना है। ग्रीन तो ग्रीन है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4, एक बार आया है, पर ये चार कुछ ज्यादा बार आते हैं, ठीक है आर के। बाकी तुम इंटेलिजेंट हो ही, मैं मना करूंगा तुम जब भी सारे याद ही पढ़ के जाओगे। गुलाबी है सरफराज, गुलाबी फेवरेट कलर है तुम्हारा है। ओहो तो तुम अपने घर में भी बोला गुलाबी करवाओगे, मतलब नहीं, सही है सही है, गुलाबी कलर सही है, अच्छा लगता है नहीं, बहुत अच्छा चलो नहीं पता भाई, पिंक गुलाबी नहीं पता, मैं सोचेंगे बताएंगे तुम, कल बताऊंगा पक्का ना, आप भी तो नहीं पता, पर गुलाबी अच्छा है, ठीक है चलो, अच्छा कलर है गुलाबी, चलो ये भी गुलाबी चाहता है, नहीं चलो ठीक है। अब दो बात बनती है यहां से, थिनर का काम क्या होता है कि इसको पेंट को इतना पतला कर देना कि वो आसानी से दीवार पे लगाया जा सके और वॉल्यूम को बढ़ा सके, नहीं तो वो चीज़ जो पेंट के वॉल्यूम को
बढ़ा देता है और उसको बहुत पतला कर देता है, जिस कारण से सरफेस पे इजीली से उसको लगा सके, तो वह क्या है? थिनर है, ठीक है, सॉल्वेंट जिसे हम कहते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर दी फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दी दी फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट टू मेक द पेंट टू मेक द पेंट थिन एंड इजिली अप्लाई टू सरफेस, इजिली अप्लाई टू सरफेस। ठीक है, चलो। और एक बार एग्जाम में पूछा, एक बार पूछा कि क्या पूछा था, डायल्यूट दी व्हीकल, व्हीकल को घोलने के लिए किसका हेल्प जरूरी होता है? तो इसका आंसर भी सॉल्वेंट होता है। याद रखना, व्हीकल को घोलने के लिए किसका यूज किया जाता है? सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, ठीक है भाई। व्हीकल है वहां पर, और व्हीकल क्या रखेगा? लिक्विड स्टेट में रखेगा, बट अब हमें तो इसको सुखाना है ना, तो सुखाना होगा तो उस टाइम पर इसको हमें क्या करना है? डायल्यूट करना है। तो जैसे उसके अंदर सॉल्वेंट डाला जाता है ना, सॉल्वेंट अलग से डालते हैं, आपने देखा होगा एक बोतल के अंदर आता है ना, लिक्विड पानी जैसा दिखाई देता है, तुम कभी कभी पी भी गए होंगे, देखा नहीं देखा तुमने, है ना? पी गए थे क्या उसको? पी गए थे? हाँ, बोतल में पी गए थे क्या उसको? तुम चेक किया था पीकर? हाँ, तार पिन का तेल, पी के देखा ही, पर पी के देखना है। अच्छा चलो, पीते हैं नहीं पीते ये बताओ जल्दी से, पीते हैं नहीं पीते इसको? अच्छा, तुम पी भी गए थे, वाह मौज कर दी, सही है। बैटरी वाला पानी पी सकते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध पानी रहता है, जो एयर होती है ना, वो पानी होता है ना, पानी को वेपर करके वो पानी यूज किया जाता है, या बरसात का जो पानी है वो बैटरी में यूज किया जाता है, तो आप उसको तो पी सकते हो, पर तारपीन को तेल को मत पीना, ठीक है? हाँ, हम तो बहुत कुछ कहते हैं, वो भी मान ला करो, यही क्यों माना तुमने हमारी बात? तुम तो यही कहेंगे हम तो बहुत कुछ माने थे, हम तो कहे थे तुम्हारा सब कुछ सेंड कर दो, मैं कहाँ करे तुम, ठीक है? अच्छी बात तो तुम नहीं मानते। हाँ, पीने लायक नहीं रहता है, बिल्कुल सरफराज, बिल्कुल सही पकड़े हो बेटा, ऐसे ही पकड़ के रहना अपने कॉन्सेप्ट को, हिलने मत देना, ठीक है? चलो, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास क्या होता है? तारपिन का तेल, तारपिन का तेल, स्प्रिट ऑफ तारपिन, तारपिन का तेल, और कभी सस्ती हो जाए तो तुम डाल लेना, सस्ता हो जाए तो तुम डाल लेना क्या? पेट्रोलियम, पर तुम नहीं डालोगे, नहीं, महंगा है आजकल, वो 50-60 की बोतल आ जाएगी, महंगा पड़ेगा। और फिर एक होता है नेप्था, नेप्था, ठीक है? हाँ, बेंजीन। आज लकी नहीं आया, क्या चक्कर है? हैं, लकी नहीं आया, कहाँ पर है भाई?
बेंजीन, बेंजीन सही कह रहे हो, मुझे भी पता है। जैसे देवकरण नहीं आ रहा, सुरभि थी वो भी नहीं है, और तीन चार लोग नहीं दिख रहे, और भी बहुत लोग हैं। मुझे लग रहा है कि उनको पास इस मन के लोड को ज़्यादा ले रखा था 12 तारीख वाले पेपर का। सब लोड दूर करने के लिए निकल गए होंगे बाहर घूमने के लिए। ऑफलाइन में कैसे जाएंगे, हमें तो पता ही होगा ना कौन जा रहा है ऑफलाइन। ठीक है चलो, अरे सरफराज पढ़ लिया, अब रुलाओगे क्या? 15 मतलब कि आज 9 बजे निम्बस पर एक अपने पास क्विज होने वाला है, जिसमें आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अपना कुछ प्राइज हैं आपको मिलेंगे जो लोग जीतेंगे। ठीक है, तो आप सभी 9 बजे आइएगा। कहाँ पे? निम्बस पे, यूट्यूब पर। ठीक है चलो, अब बात करते हैं अपने पास कुछ अलग चीज़ों का, जिसके जिसको देखकर लगता है कि हाँ यार ये तो वही है। तो एक अपने पास होता है एक्सटेंडर, एक्सटेंडर या फिर इसको कहते हैं फिलर। तो इनका जो काम है ना, वो तुम्हें किसके जैसा लगेगा? अपना सोलवेंट के जैसा, है ना। सोलवेंट का काम भी उसको पतला करना होता है, वॉल्यूम को बढ़ाना होता है, इजिली से एप्लीकेबल होता है। बट होता क्या है कि वो तो अपने के बताया कि बहुत ही ज़्यादा पतला करने वाला हो गया। एक्सटेंडर और फिलर का काम भी वॉल्यूम को बढ़ाना और उसको पतला करना है, बट एक कम अमाउंट में। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हमने इसको जैसे डालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो पतला हो चुका है, बट वो पतला हो चुका होगा। ठीक है, पर जब अपने पास सॉल्वेंट डाला जाता है ना, तो बहुत ही ज्यादा पतला कर देता है। मतलब जब ज्यादा अमाउंट में पतला करना है तो हम क्या डालते हैं? सॉल्वेंट डालते हैं। और जब कुछ अमाउंट ऑफ पतला करना है तो हम क्या डालते हैं? एक्सटेंडर और फिलर। ये काम उनका सॉल्वेंट जैसा ही है, बट ये सॉल्वेंट नहीं होते हैं, ये बात याद रखना। बड़े क्लास होती है सर 8 से 10। अच्छा हाँ, मिट्टी तेल मिला लो, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारे पास हो वो लगा सकते हो। ठीक है, अगर इनके पर्पस की बात करें तो इनका पर्पस आपके पास क्या होता है? इनका पर्पस होता है इंक्रीज दी वॉल्यूम ऑफ पेंट। इनका काम ये रहता है पेंट के वॉल्यूम को इंक्रीज करना और तुम्हारा कॉस्ट को कम करना। ठीक है, वॉल्यूम के पेंट को बढ़ाना और कॉस्ट ऑफ पेंट को क्या कर देना? कम कर देना। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या क्या डाल रखा है? एक तो पेपर में आ रखा है, ठीक है, एक तो पेपर में आ रखा है बेरियम सल्फेट, ये पेपर में आ जाता है, और 2 बार इसको पूछ भी रखा है। ठीक है, बेरियम सल्फेट ये तो भूलना ही नहीं है तुम्हें। बेरियम सल्फेट हो गया, अपना सिलिका हो गया, सिलिका हो गया, और अपने पास एक रहता है मैग्नीशियम सिलिकेट, एलुमिना, जिप्सम, एग्जैक्ट ये रहा। जिसमें से आपको बेरियम सल्फेट तो नहीं बोलना है, वो ही लगाते हैं। तो आज इनाम जीत लेना, और क्या है।
क्या पता तुम्हें क्या मिल जाए। कह दे ये लो तुम्हें, तुम्हें नाम मिलता है 1 लाख रुपया, किस्मत खुल जाए तुम्हारी। केरोसिन तेल, कहाँ लिखा मैंने केरोसिन? केरोसिन तो घटिया होता है, बहुत इम्प्योरिटी होती है, तुम कभी पी के देखना, ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल के। ठीक है, आगे चले क्या? आगे चले? मुझे दे देना, और क्या करोगे? देखो मैं तो यही कहता हूँ कि प्यार बांटो, नहीं जितना हो सके उतना बांटो। तो मैं तो ये कहता हूँ तुमसे, अगर तुम्हारा तुमसे तुम्हारा अगर नहीं तुमसे झेल हो रहा, तुम मुझे दे देना। नहीं? हाँ चलो, फिर बात करते हैं अपने पास। टाइप ऑफ पेंट, चलो सब पता है सरफराज को। कहाँ से इतना दिमाग लाते हो तुम? तुम्हें तो सब पता है भाई, बहुत जीनियस हो तुम। मन की वहां पे लिखा है इनाम मिलेगा, ये पहले ही सबको बता रहा है इनाम, ऐसे कौन आएगा भाई। ठीक है चलो, अब सबसे पहली बात पता है क्या है, इसको कभी कभी ब्रॉन्ज पेंट भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज पेंट भी बोल देते हैं। बनता किससे है ये? ये दो चीजों से मिलकर बनता है, दो चीज जर्नलिस्ट में डालते हैं। ठीक है, एक तो होता है एल्यूमिनियम और एक होता है अपने पास स्प्रिट वॉर्निश। स्प्रिट वॉर्निश, मैं अभी टाइप ऑफ वॉर्निश भी बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, तुम अभी रोने लग जाओ कि सर वॉर्निश और बता दो, स्प्रिट वाला, तिस्पार वाला, तुम्हारी कसम वो भी बताऊंगा इसके बाद में, टाइप ऑफ पेंट के बाद में, है ना, वो भी बताऊंगा। तो एल्युमिनियम प्लस स्प्रिट वॉर्निश जब डालते हैं तो एल्युमिनियम पेंट बन जाता है, और इसको ब्रॉन्ज पेंट भी बोलते हैं। और बात होती क्या है कि ये पेंट होता है ना, ये मेटल और वुड दोनों पे आप यूज कर सकते हो, मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों पे लगा सकते हो, है ना। हाँ, और दूसरी बात यहाँ पे होती है कि चमकदार होता है, मतलब अगर लाइट भी चल जाती है ना तो ये चमकता है, कैसे? ऐसा जैसे आप चमक रहा है, तो मतलब यह रात में भी अपना चमक देता है। दूसरा, मेटल और सरफेस पे भी, मेटल और नॉन मेटल सरफेस पे दोनों पे लगा सकते हैं। तो दो, पहली बात लिख लेते हैं। ठीक है, इट इज शाइन एंड विजिबल इवन इन डार्कनेस। ओके, यह है। ठीक है, एसएससी में तो दो बार आ रखा है, एक ही क्वेश्चन दो बार आ रखा है। दूसरा, इट्स यूज ऑन सरफेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल सरफेस पर लगा सकते हैं, और ये रात में भी चमकता है। तुम लगा के अगर रात को बाहर घूमने चले गए तो तुम्हारी मौज हो जाएगी फिर। अरे किशन देखो भाई, केमिकली फॉर्म होता है ये, तो केमिकली ना इग्नियस है ना मेटामॉर्फिक है। अब सेडिमेंट्री में भी कैसा है, मैकेनिकली है केमिकली, तो केमिकली मान के चलना, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भाई किशन, नोच कर दी। बना लिया,
फिर भी लिक्विड में कैसे रहता है? कौन रह रहा है लिक्विड में? एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होता है। किसने कहा? तुम कहीं ये बायो बोए तो नहीं पढ़ रहे कहीं तुम? है भाई, तुम कहीं बायो बोए तो नहीं पढ़ रहे? लग तो ऐसे ही रहे तुम। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बता दिया, मौज कर दी तुमने तो। सेकेंड पॉइंट जो है उसे कहते हैं एंटी कोरोजन पेंट। तो तुम्हें एक बात तो पता चल रहा होगा कि कोरोजन किस में होता है, और तुम्हें एक बार क्वेश्चन तो आ गया, मैं मुझे पता तुम इसका आंसर बता दोगे। ये कहा कि एंटी कोरोजन पेंट में बेस कौन सा होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ एंटी कोरोजन पेंट में बेस कौन सा होगा। क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है? तो कहाँ यूज करते हैं? इट इज अप्लाइड ऑन स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट कोरोजन। और याद रखना, कोरोजन अपने पास सिर्फ दो ही फैक्टर के कारण से हो सकती है। पहला अपने पास एयर, एंड दूसरा अपने पास होता है पानी। तो कोरोजन के अगर कभी भी तुमसे फैक्टर पूछ लेना, तो दो कारण तो याद रखना। हवा हर जगह पर है, सिर्फ कोरोजन लगने के लिए किसका वेट करना है? पानी का। किसी का घर बन रहा हो, तुम्हें उससे दिक्कत हो, तो डेली जाके पानी घेरना है, डेली जाके पानी घेरना है, डेली जाके पानी घेरना है। कैसा घेरना है? गर्म घेरना है, बस याद रखना, बहुत मौज हो जाएगी फिर, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही, रेड लेट। शाबाश शाबाश, मौज कर दी तुमने। कौन कौन दिमाग आज? बादाम कौन कौन खा रहा है? किशन खा रहा है, प्रिंस खा रहा है, दीपक खा रहा है, ठीक है? तुम सब बादाम खा रहे हो, इससे मुझे पता लगता है, ठीक है? चलो ये लो। बना लिए क्या भाई? सीमेंट पेंट होता है ना? होता है, होता है भाई, होता है, बिल्कुल होता है। सब कुछ होता है, भगवान ने सब कुछ बनाया हमारे लिए, तुम बस यूज करो उसको। एल्युमिनियम पेंट कैसा होता है यार? अब चलो तुम कह दो, तुम्हें पेंट भी दिखाते हैं, सब कुछ तुम्हारा है, देख लो। लो इंडिगो, लगे एक बार चले सालों सा। ये रहा देख लो, ये अपने पास एरोसेल पेंट होता है जो स्कूटी पे किया जाता है। ये रहा अपने पास पेंट, जैसे तुम अपना वो बनाते हो, दीवारों पे ड्राइंग बनाते हो, दीवारों पर देख लो, क्राउन ट्रेड रहा। और बताओ क्या देखना है? पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ है, देखो ये रहा। बताओ और कौन सा चाहिए तुम्हें, बता देना, ठीक है? जो मन करे वो ले लेना तुम इसमें से, ठीक है? चलो, दिखता कैसा है?
लो, अब चल जाएगा यहाँ पर, सब बताएंगे सब। ये रहा, बस ज़्यादा समझ जाओगे अब तुम, ज़्यादा नहीं समझना है तुम्हें, ठीक है? चलो, हाँ। तीसरा, तीसरा बिटुमेन पेंट, हाँ, बेस रेड लीड होता है भाई, बेस रेड लीड होता है, ठीक है? चलो, इट इज अप्लाइड टू रजिस्ट द एक्शन ऑफ एल्केलीज, एल्केलीज, एल्केलीज कहीं पर भी हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जो आप पेंट लगाते हैं उसे बिटुमिन्स पेंट कहते हैं, उसे बिटुमिन्स पेंट कहते हैं। और एक पेंट अपने पास आ रखा था कि कोई आयरन वर्क पे अगर कोई पानी लग रहा है, हाँ, रेड लीड है, बेस जो होती है एंटी करोजन के अंदर वो रेड लीड होती है, ठीक है? धर्मेंद्र सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे तुम्हें, टाइम दो हमें थोड़ा, ठीक है? तो एल्केलीज जहाँ पे होती है उसके लिए बिटुमिन पेंट। और एक क्वेश्चन आ रखा था कि अगर मैं कोई आयरन आयरन वर्क पे अगर पेंट कर रहा हूँ और वहाँ पे पानी आ रहा है, तो मैं कौन सा पानी के अंदर कोई आयरन वर्क है और मुझे वहाँ पे पेंटिंग करना है, तो मैं कौन सा पेंट करूँगा, तो वहाँ पे बिटुमिन पेंट करूँगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आ रखा था, ये क्वेश्चन आ रखा था। मतलब सर, ये फ्लोरेंस को रोकने के लिए, अरे भाई मौज कर दी तुमने तो, हर जगह एल्केलीज मतलब इफ्लोरेंस नहीं होता है, हर जगह एल्केलीज का मतलब इफ्लोरेंस नहीं होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन भी होती है जो एल्केलीज जैसी होती है जो वॉल्यूम को बढ़ा देती है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, एग्रीगेट में भी एक अपने पास रिएक्शन चलती है, एग्रीगेट एल्केलीज रिएक्शन, जो अपने पास एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट मोस्टली सिलिका से मिलकर बनता है, तो सिलिका के अंदर अगर एल्केलीज प्रेजेंट होते हैं तो जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप में रिएक्शन करके उसमें वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिसे एग्रीगेट एल्केली सॉल्यूशन कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? बफरिंग नहीं हो रहा, सिर्फ तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है, जो तुम रात भर यूट्यूब देखते हो ना, इस कारण से। तभी क्या, तो मत चलाए करो, व्हाट्सएप मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, बंद कर दो सब चीजें। ठीक है, चलो, अब दूसरा, अब चौथा, पेंटिंग, पेंट, पेंटिंग अंडर द वाटर, ठीक है? पानी के अंदर अगर हमें पेंटिंग करना है आयरन वर्क के ऊपर, तो बिटुमिन्स पेंट करते हैं, ठीक है? हाँ, फिर बात करते हैं चौथा, जिसका नाम आपके पास है प्लास्टिक पेंट। क्या नाम है? प्लास्टिक पेंट। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है कि इस प्लास्टिक पेंट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है फॉर डेकोरेटिव पर्पस से, फॉर डेकोरेटिव पर्पस से इस पेंट का यूज किया जाता है, और कम से कम 5 से 10 बार आ रखा है। इसका एक एग्जाम्पल क्या आता है, कहता है कि सिनेमा हॉल, या फिर अपने पास आ जाएगा थिएटर, थिएटर में कौन सा पेंट किया जाता है, तो याद रखना थिएटर में प्लास्टिक पेंट किया जाता है। तो इस बार जब मूवी देखने जाओ ना, तो एक बार पेंट देखना, तुम्हें कुछ चमक सा नजर आ रहा होगा, कुछ प्लास्टिक सा नजर आ रहा होगा, तो समझ जाना कि वहां पे प्लास्टिक पेंट कर रखा है, ठीक है? हाँ, थिएटर के अंदर जो पेंट यूज होता है उसे प्लास्टिक पेंट कहते हैं, ठीक है? हाँ, अरे मूवी देखने नहीं गए क्या? हैं धर्मेंद्र, कभी मूवी देखने नहीं गए भाई? मूवी देखने जाते हैं तो वहां की दीवारें भी देखा करो, दीवारों पे जो पेंट हो रखा है ना, वो प्लास्टिक पेंट ही है। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, सच
सरफराज जाओ भाई किसी के साथ यार, कब तक तुम ऐसे रहोगे, जाओ तुम। मैं क्या करूं, नहीं गए तो तुम सब मुझे क्यों बता रहे हो? चलिए पांचवा होता है डुको पेन। डुको पेन 5 स्टार कर दो, ठीक है 5 स्टार कर दो। देखो सबसे पहला आता है इसका एक नाम, इसका एक नाम उससे बार बार आता है, जो नाम आता है सेलुलोज करके। कहता है सेलुलोज पेंट कौन सा है, तो आंसर जो डूको पेंट है ये सेलुलोज पेंट अपने पास होता है, ठीक है। अब ये बनता किससे है, अब इसके बात कर इसके, ये बनता किससे है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो अपने पास नाइट्रो कॉटन, एक अपने पास होता है नाइट्रो कॉटन, और उसके बाद में इसके अंदर अपना एक थिनर डाल दिया जाता है तब ये बन जाता है। और थिनर में क्या डालते हैं, थिनर डालते हैं इथाइल एसीटेट अपने पास डालते हैं, इससे मिलकर अपने पास बन जाता है क्या, डूको पेंट, और जिसे हम सेलुलोज पेंट भी कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिक पेंट का एग्जाम्पल थिएटर, बेटा थिएटर, ठीक है। और इसका अगर यूज़ की बात करें तो अपने पास जो एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज, भाई एक बार भी नहीं बैठा, बताओ घूमना है हमें तो इसके अंदर, ना हेलीकॉप्टर में बैठे ना एरोप्लेन में, पता ना कब बैठ पाएंगे, ठीक है। चलो एरोप्लेन के अंदर जो अपना पेंट होता है उसका अंदर ये डुको पेंट ही लगता है, ठीक है। इसके अंदर अपने पास हवा पानी धूप इनका इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा ना होगा कि कहीं प्रेशर ज़्यादा हो जाए, कहीं धूप ज़्यादा हो जाए, हैं बर्फ़ आ जाए, ठंडा गर्म का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, सिंपल सी बात हम ये कहना चाहेंगे। ठीक है, तुम्हें बहुत पता है कि हम पटना आएंगे तो प्लेन से ही आएंगे, तुमने कब देख लिया? बिल्कुल सही पकड़े हो, मतलब तुम देखते हो टीचरों को जाते कैसे हैं, सही है। चलो बना लिए कि जल्दी बताओ, अभी बहुत है पेन, नहीं तो फिर हम खत्म करना पड़ेगा जल्दी से, ठीक है। चलो इसके बाद में छठा सीमेंट पेंट। अब तुम क्या होगे, सर ये होता है, बताया तो नहीं? अरे बताया था, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुमने वाइट सीमेंट देखा था क्या? वाइट सीमेंट पेंट ही होता है। कहाँ पे यूज करते हैं इसका, यूज किया जाता है यूज ऑन प्लास्टर सरफेस। प्लास्टर सरफेस जो पुट्टी होती है ना वो अपने पास यही होती है, सीमेंट ही है वो, वाइट सीमेंट पेंट ही है, उसे वाइट सीमेंट कहते हैं, ठीक है। हाँ और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें, अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें, जो एक एक ही क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 4 मीटर स्क्वायर एरिया कवर होता है, एरिया कवर पर केजी इतना कवर हो जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, ना इससे कम ना ज़्यादा, कम याद रखोगे तो भी पाप लगेगा, इससे ज़्यादा याद रखोगे तो भी पाप लगेगा, ठीक है। चलो
बाइक कार पे पेंट कहाँ होता है, उस पर वो एक प्रेशराइज में पेंट को अप्लाई करते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो मेथड होता है ना अप्लाई करने का, वही चीज़ अलग हो जाती है। और वैसे बात करें ना उस पेंट की, कार और पेंट पर, क्या नाम था, कुछ एरोसोल करके रहता है, या तुमने मेन पेंट तो तुमने पढ़ा ही नहीं, जिसके बारे में मुझे एक कहानी अच्छा लगता है बताने के लिए, इनेबल पेंट। देखो जो जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो जो भी क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यह है ना, तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक अपना होता है बेस, एक अपना होता है बेस, एक अपना होता है विकल, और एक अपना होता है सॉल्वेंट। इन तीनों को मिलाकर जो बनता है ना उसे इनेबल पेंट कहते हैं। देखो दो चीज़ें बच रही हैं अभी, अभी बच रहा है वॉर्निश और टाइप ऑफ वॉर्निश, दिसंबर मेरा ख़त्म हो गया, फिर बच रहा है डिफेक्ट, डिफेक्ट डिफेक्ट सोच रहे हैं उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ डिफेक्ट्स ख़त्म हो जाएगा। सर आप पटना आइएगा तो बता दीजिएगा, हम भी आ जाएंगे सर क्लास करने, आ चुके हैं, हम तो RCC पढ़ा के भी आ गए थे, तुम्हें पता ही नहीं चला, हम गए भी थे, हम RCC पढ़ा के भी आ गए, बस तो बात ये तुम्हें पता ही नहीं चला, ठीक है। चलो बेस तुम्हें बताया दिया था, टाइटेनियम ऑक्साइड वो नहीं मिलता तो तुम ले सकते हो क्या, वाइट टाइटेनियम वाला बता दिया था, दूसरा अपने पास होता है वाइट लेड। विकल की बात करें तो विकल अपने पास होता है ऑयल, विकल होता है ऑयल वॉर्निश, ठीक है, और ये लिक्विड मीडियम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा था कि ऑयल वॉर्निश इनेबल में किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने पास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, पेट्रोलियम, क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम करते हैं, जिसे थिनर कहते हैं, ठीक है। हाँ चलो अब यह पेंट इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब इसका हम यूज़ करते हैं ना, जब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इट इज इंक्रीज रेजिस्टेंस टू, इट इज इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फायर, फायर एसिड एल्केलीज स्टीम इजेक्टा, ठीक है। और भी लिख सकते हो हॉट एंड कोल्ड वाटर, आप इसके सरफेस पर गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, अपना एसिड उसिड कुछ भी फेंको, दीवारों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मंत्री आते रहते हैं, मंत्री जाते रहते हैं, पर जो चलेगा पेंट वो रहेगा इनेबल पेंट, ठीक है। हाँ और नोट करके प्रिफर टू यूज इनर सरफेस, इनर सरफेस पे यूज करना ज्यादा प्रिफर माना जाता है इसको, ठीक है। वैसे बाहर पे भी यूज कर सकते हैं, बट इनर वाला ज्यादा ठीक है, ठीक है। हाँ प्रिफर पूछेगा तो इनर सरफेस, वैसे तो इसको बाहर भी लगा सकते हैं, एक्सटर्नल और अपने पास एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस यूज, ओके, अंदर और बाहर यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा प्रेफर की बात करेंगे तो इनर सरफेस पे याद रखना। ओ तो अब नहीं आएगा क्या, तो अब नहीं, नहीं नहीं अब ये तो कहाँ, बाकी तो पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाए। चलो अभी तो कहाँ बनाए होंगे,
बनाऊं इसको जल्दी से, चलते हैं फिर। बना लिए क्या भाई? हैप्पी इंजीनियर्स डे। सभी ने ऐसे स्टेटस लगा रखे हैं कि सच में बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और सब लोग इंजीनियर समझते नहीं। मुझे क्या पता किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट वाले सर से पूछते ये चीज़, ट्रांसपोर्ट वाले सर से पूछो, मुझे क्या पता होगा भाई। मार्किंग तो वही करेंगे ना, अपन थोड़ा ना करते हैं, अपना काम नहीं है वो चीज़ का। मैं तूफान हूँ हवा मां समझना, तुम तिनका बन के उड़ जाओगे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। छोड़ यार अपन क्या मतलब, इमल्शन पेंट। इमल्शन ठीक है। बेटे ने बॉल, गंदी बॉल दीवार पे मारी, मम्मी आई, बेटा भाग गया। पापा बोले क्यों कर रहे हो? नहीं, क्योंकि हमारी दीवार क्या है, हमारी दीवार क्या है, इजिली वॉशेबल विद वाटर। फिर मम्मी पापा और बेटे सब दीवारों पर मारने लग गए क्या बॉल को, पागल है क्या, उसके बाद बाहर खेल लो। नहीं तो पानी के साथ इजिली से धुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। और इसे को बोलते हैं अमल्शन, पॉली विनाइल एसीटेट, पॉली विनाइल एसीटेट प्लस में अपना जो एक सिंथेटिक रेजिन होता है, सिंथेटिक रेजिन होता है, इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है इमल्शन पेंट। लगाओ घर पे और खेलो फुटबॉल घर के अंदर टपाटक आराम से, नहीं खेलते रहो पूरे दिन मम्मी पापा और बेटे। चलो ये यही आ रखा है। चलना ही है टाइप्स ऑफ पेंट। देखते हैं कुछ अच्छा सा मिल जाए, एल्युमिनियम पेंट हो गया, एंटी करोसिव हो गया, एक और बताते हैं ठीक है। हाँ टीवी दोबारा ले आएंगे एक दिन, पैसे की कमी नहीं है, एस्बेस्टोस पेंट। इसका यूज किया जाता है कहाँ पे, टू रजिस्ट एसिड एक्शन। जहाँ पे एसिड एक्शन होता है ना वहाँ पर इसका यूज करना, ये बात याद रखना, वहाँ पे इसका यूज करना है ये बात याद रखना, एस्बेस्टोस पेंट का ठीक है। निवल हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सीमेंट हो गया ठीक है, सारे हो गए पेंट, सारे हो गए यहाँ पर। इट कैन बी क्लीन बाय वॉशिंग विद वाटर, यस यस बिल्कुल सही ठीक है। ठीक है जहाँ पे पानी आता, जहाँ पे एसिड एक्शन होता है, एसिड का फ्लो रहता है वहाँ पर इसका यूज करना है,
तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जल्दी करो, तुम तो कल का टाइम भी ले लिया हमारा। हो गया, चलो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। कभी टिम्बर के ऊपर, टिम्बर तुमने अपन देखा नहीं देखा, टिम्बर के ऊपर क्या आपने कोई एक ऐसा निशान देखा है? ऐसा निशान देखा है कोई टिम्बर के ऊपर? देखा होगा ऐसा गोल गोल सा, है ना? इससे बेटा नोट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? नोट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोट। मैं टिम्बर में पढ़ाऊंगा, डिफेक्ट्स में होता ही है, ठीक है, नोट, है ना? तो होता क्या है कि जब इस टिम्बर सरफेस पर अगर हमें पेंटिंग करना है ना, तो उससे पहले इस होल को भरा जाता है, उससे पहले इस होल को भरा जाता है, जो कि एक स्मूथ सरफेस आ सके पेंट के बाद। इस कारण से है ना, इसको पहले फिल करेंगे, तो वह प्रोसेस नोट को कंप्लीटली फिल करने का प्रोसेस नोटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नोटिंग कहलाता है, ठीक है। तो पेंट करने से पहले पूरा भर देना चाहिए, जो पेंट पूरा सरफेस पे इजीली से ही लग सके, ठीक है। फिल दी नोट, फिल दी नोट बिफोर दी, फिल दी नोट बिफोर दी एप्लीकेशन ऑफ पेंट, बिफोर दी एप्लीकेशन ऑफ पेंट विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ बेस, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमर, इज नॉन एज नोटिंग, नॉन एज नोटिंग, नोटी नहीं नोटिंग। हाँ कहीं नोटे नोटे करने लग जाओ, ठीक है। हाँ वॉइस इंक्रीज, ठीक है। चलो बना लिया, बना लिया। नोट को फिल करना नोटिंग कहलाता है, ठीक है। नोट को फिल करना नोटिंग कहलाता है। अब एक पेज छोड़ दो पूरा की पूरा, है ना, लिख लो वहां पे जो लिखवाना है, वहां पे लिखवाना है तुम्हें टाइप्स ऑफ नोटिंग, हेडिंग डाल के छोड़ देना, टाइप्स ऑफ नोटिंग, ठीक है। लिख लो जो तुम्हें याद रहे वहां पे क्या क्या होना है। ऑर्डिनरी नोटिंग, ऑर्डिनरी नोटिंग, दूसरा होता है पैटर्न नोटिंग, और तीसरा होता है लाइन नोटिंग। अब वो पूरा की पूरा पेज छोड़ देना, एक पेज पूरा की पूरा छोड़ देना, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। ऑर्डिनरी नोटिंग को ही कहा जाता है क्या? साइज नोटिंग। इनको कल एक्सप्लेन करेंगे, है ना। एक पेज छोड़ दो पूरा की पूरा, ठीक है। जो फिल करते हैं ना ऐसे, जो गांठें होती हैं, तो ये अलग अलग तरीके से की जाती है। एक ऑर्डिनरी होती है, एक पेटेंट होती है, एक लाइम होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम कल बात करेंगे कि ऑर्डिनरी में दो होती है, एक लेयर रेड लीड की बनती है, फिर दूसरा लेयर डाल जाता है। पेटेंट में भी दो लेयर होती है, ठीक है, जिसके अंदर पहले में वार्निश लगता है, दूसरे में भी वार्निश लगता है 15 मिनट के बाद। लाइम कोटिंग के अंदर क्या होता है? ऑर्डिनरी कोटिंग ही होती है, पर तीसरी कोटिंग में अलग करेंगे। मैं बताऊंगा तीनों को, इसको लिख के छोड़ दो यहाँ पर, एक पेज छोड़ देना पूरा की पूरा, ठीक है। टाइप ऑफ नोटिंग लिखकर, ये तीनों लिखकर छोड़ दो, जिसको मैं कल कल एक्सप्लेन करूंगा। लिख लिया क्या? टाइप ऑफ नोटिंग लिख लिया? चलो एक पेज छोड़ देना पूरा की पूरा, पहले ही कह रहे हैं, एक पेज छोड़ देना पूरा की पूरा, नोट नंबर सेकंड, ठीक है।
फॉर रिमूविंग पेंट वी यूज कास्टिक सोडा, पेंट को हटाने के लिए, ठीक है, पेंट को हटाने के लिए, फॉर रिमूविंग ओल्ड पेंट को हटाने के लिए हम जिस केमिकल का यूज करते हैं उसे बोलते हैं कास्टिक सोडा. क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा. ओके, क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा. सरफराज 30 नंबर जल्दी से लिख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है. एक पेपर में आया था, वह तुमसे पूछता हूँ. पेपर में आया कि जो ग्रीस लगा होता है ना मेटल के ऊपर, जैसे कि आपने ट्रक के ऊपर देखा होगा, बाइक के ऊपर देखा होगा, कि जो ग्रीस लगा होता है मेटल पर, उसको किससे क्लीन किया जाता है? जल्दी से बताओ, उसको किससे क्लीन किया जाता है, पूछ रखा है. क्लीन बाय, बताओ इसका आंसर. कि जो अपने पास ट्रकों पे, बाइक पे जो ग्रीस लगा होता है वो किससे साफ किया जाता है? थिनर से तो करेंगे, बट थिनर का नाम पूछ रखा है इन लोगों ने, उन्होंने नाम पूछ रखा है. ठीक है, देखो सबसे ज्यादा प्रेफर माना जाता है अपने पास हॉट एल्कलिन, हॉट एल्केलिन सॉल्यूशन. और अगर तुम्हें नहीं मिलता ना, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलता तो तुम यूज़ कर सकते हो क्या? पेट्रोलियम. पेट्रोल को तुम यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है. हाँ, लिख लिया. तीसरा, अब आप अपना काम दे रहे हैं, एस्टिमेट की बात कर रहा हूं मैं. जो अपने पास पेंट वर्क होता है ना, ये जब लेबर को दिया जाता है तो पेंट वर्क का ना एक थिकनेस जो तुम अप्लाई करते हो लेयर, ये थिकनेस स्पेसिफाई होती है. तो तुम या तो लेंथ और विड्थ सिर्फ इन दो के हिसाब से देते हो, कभी भी थिकनेस के हिसाब से नहीं देते, ठीक है. तो हम जो वर्क देते हैं ना, वो देखते हैं कि कितना एरिया आपको करवाना है, एरिया एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड. ओके, कितना एरिया पेंट करना है, कितने मजदूर से, इसके अकॉर्डिंग तुम पेमेंट करते हो, ठीक है. कितना एरिया पेंट किया है एक मजदूर ने, उसके अकॉर्डिंग तुम दोगे. तो याद रखना, यहाँ पे एरिया लिया जाता है, वॉल्यूम नहीं लिया जाता है, क्योंकि जब एक डायमेंशन स्पेसिफाई होती है तो अपने पास क्या होता है? एरिया होता है. जब दो डायमेंशन स्पेसिफाई होती है तो वो एक लीनियर मेजरमेंट होता है जो कि एक डायमेंशन में लिया जाएगा, ठीक है. हाँ, मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं. जबकि स्टोन आपके पास हो या अपना ब्रिक हो तो उसको मीटर क्यूब में लिया जाता है, ये बात याद रखना. ब्रिक और स्टोन मेसनरी वर्क को लिया जाता है किसमें? मीटर क्यूब के अंदर. नहीं पता हो तो लिख लेना उसी को यहाँ पर नोट करके, कि ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी ऑल्सो मेजर इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, ठीक है. हाँ, ठीक है. हाँ चलो, उसके बाद एक और स्टॉपिंग, स्टॉपिंग, ठीक है. स्टॉपिंग क्या होता है? स्टॉपिंग लिखवा दिया क्या आपको, बताइए? स्टॉपिंग लिखवा दिया क्या? मजदूर नहीं लिखवाया ना. हाँ, फिल दी
वाइडर क्रैक्स वृद्धि हेल्प ऑफ पुट्टी नॉन एज स्टॉपिंग। देखिए होता क्या है कि जब हम कभी सर पेंट कर देते हैं या पुट्टी कर चुकी होते हैं दीवार पे, तो कहीं कहीं पे ना क्रैक्स आ जाते हैं, छोटे छोटे से क्रैक्स आ जाते हैं, अब कोई बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, तो उन्हीं क्रैक्स को दोबारा फिल करा जाता है जहाँ पर अपने पास दोबारा से पुट्टी की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉपिंग वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉपिंग वर्क कहते हैं। यह अगर आप देखना चाहो तो आप शायद देखते हैं, अगर मिल जाए तो अपने को अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं आ रखा। ठीक है, बनाओ। बना लिया। चलो 26 हो गया ना, डाल के छोड़ देना। वार्निश कल वार्निश पढ़ाएंगे, टाइप ऑफ वार्निश और डिस्टेम्बर, मतलब 1-1.5 घंटे का और है, उसके बाद ख़त्म, फिर देखते हैं क्या स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अलविदा, कल मुलाकात होगी तुमसे वापस। ये रहा 5 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पेंट वर्क में ये कहा था कि जो अपने पास लेबर को पेमेंट दी जाती है ना, वो मीटर स्क्वायर एरिया में दी जाती है, वो मीटर स्क्वायर एरिया में दी जाती है। ठीक है, 20। किसका लिमिट बेटा जितेंद्र, किसका लिमिट कह रहे हैं आप? ठीक है, ये रहा पहला, 1, 2, 3, 4, 5। एरिया तो बेटा वो डिपेंड करेगा ना, अपना घर कितना बड़ा है उस घर के अकॉर्डिंग तो आप पेमेंट वो करोगे उसका, जितना उसने काम करेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। और जो ये अपने पास यूनिट है ना, जो आप पूछ रहे हो कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, वो सब एस्टिमेट के अंदर है, वो एक टेबल बनी हुई आती है तो टेबल से पढ़ाया जाता है पूरा की पूरा। ठीक है, रेट एनालाइज चैप्टर के अंदर पूरा टेबल पढ़ाया जाता है, उससे पढ़ाई जाती है। जय माँ का। ठीक है, चलो मिलते हैं कल तुमसे, राधे राधे।